Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. It's an autobiography written by Nelson Rolihlahla Mandela. Apartheid is a political system. Apartheid is a political system. They suppress people according to their race. जो कलर होता है उसके हिसाब से लोगों को अलग करने के सिस्टम को बोलते हैं अपार्टहाइड. ठीक है, जो साउथ अफ्रीका में ज्यादा चली थी. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन. उसके सामने नेल्सन मंडेला जिसने पॉलिटिकल फाइट किया था उसको 30 साल जेल में बिताने पड़े थे उसके लिए. उसके बाद बाहर निकल के डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए 1994 में. एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनेशन. पहला ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बना? नेल्सन मंडेला. इट्स एन ऑटोबायोग्राफी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. That is the name. And Mandela speaks about a historical occasion, the inauguration. जब वो प्रेसिडेंट बने तो उसका जब इनॉग्रेशन था तब उन्होंने ये स्पीच दी थी. More than three centuries of white rule. तो तीन सेंचुरी से भी ज्यादा किसका रूल रहा था? वाइट रूल रहा था. उसके बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की हेल्प से पार्टी जीती और उसमें 400 में से 226 मिली और डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ अफ्रीकन हिस्ट्री में पहली बार. और नेल्सन मंडेला बिकेम प्रेसिडेंट. नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. नेल्सन मंडेला उसके स्पीच में बोलते हैं कि अभी ये जो ब्यूटीफुल लैंड है साउथ अफ्रीका उस पे एक इंसान के ऊपर दूसरा इंसान कभी अब राज नहीं करेगा. यहाँ पे दे दिए 10th मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर. 10th मई का सुबह थी ब्राइट एंड क्लियर. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई मतलब यहाँ पे मंडेला had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. अभी इनॉग्रेशन चालू नहीं हुआ उससे पहले ही सभी जो वर्ल्ड लीडर थे डिग्निटरीज थे लीडर्स थे सब मंडेला को रिस्पेक्ट दे रहे थे मतलब कॉल कर रहे थे या बातें हो रही थी. तो भी द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. आज तक साउथ अफ्रीका की सॉइल में इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स इकट्ठा नहीं हुए थे जितने नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने पर के इनॉग्रेशन में इकट्ठा हुए थे. The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in a Pretoria. Amphitheater है, दिखा गया. वहाँ पे ceremony हुई थी.
For decades, this had been the seat of white supremacy. जो यूनियन बिल्डिंग है, ठीक है, जो यूनियन बिल्डिंग है, वो अब तक 300 साल तक व्हाइट सुप्रीमसी, मतलब व्हाइट ही इंसान ने राज किया था, जो फेयर व्हाइट होगा वो. And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. लेकिन अब क्या होने वाला था? South Africa's first democratic and non-racial government बनने जा रही है. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter. सेनानी उसके डॉटर है, डॉटर का नाम भी है. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने पहले स्वॉर इन किया, मतलब शपथ ली. मिस्टर डी क्लर्क Then, उसके बाद था थेबो मबेकी वाज स्वॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट हुआ, उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट है. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of our republic and its people. अभी मंडेला का टर्न आ रहा है, तो वो प्लेज कर रहा है. अपोल द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान देगा, उसका पालन करवाएगा एंड उसको डिवोट होगा, उसके हिसाब से ही चलेगा, रिपब्लिक के हिसाब से. टू द असेंबल गेस्ट and the watching world, I said, उसने क्या कहा उसके स्पीच में, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. अभी नई नई liberty आई है. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, बहुत सालों से white people, white supremacy थी हम पे, white लोगों का राज था, must be born a society of which all humanity will be proud. क्योंकि इतने सालों के बाद जो society बनी है अभी, इसपे humanity proud करना ही चाहिए. We who were outlaws not so long ago, हम लोग जो पहले outlaw मतलब जो rules है उसका, उसको follow नहीं कर रहे थे, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. लेकिन आज हमें जो privilege मिला है, हमारी soil पे हमें host कर रहे हैं. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice. जो हमें आजादी मिली है, जो democracy start हुई है, वो क्या है? Common victory for justice. Justice की जीत हुई है, peace की जीत हुई है. And human dignity की जीत हुई है. We have at last achieved our political emancipation. Political emancipation मतलब political freedom हमें मिली है. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. ठीक है, हम किससे बाहर निकल रहे हैं, हम क्या प्रॉमिस कर रहे हैं,
कि हम पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे, डिप्राइवेशन मतलब जो चीज नहीं मिल रही, राइटफुल बेनिफिट नहीं मिल रहा उससे बाहर निकलेंगे, सफरिंग से बाहर निकलेंगे, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है उससे बाहर निकलेंगे, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ये ऊपर कोर्ट में दिया गया है ये लाइन। It will be this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. ठीक है, सन यहाँ पे कभी ये जो glorious achievement हमने अचीव किया है उस पे sunset कभी नहीं होगा। Let freedom regain, let freedom reign. Freedom को राज करने दो। God bless Africa. Africa को वर्ल्ड की दुनिया बनी रहेगी। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. थोड़ी क्षण पहले हम सब ने अपने लिफ्टेड अवर आईज, सिर ऊंचा करके ऊपर करके जो साउथ अफ्रीकन जेट्स को देखा, हेलीकॉप्टर जा रहे थे ऊपर से, एंड ट्रूप कैरियर रोल इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। यूनियन बिल्डिंग से ऊपर से जेट जा रहे, हेलीकॉप्टर जा रहे, हमने उसको देखा। It was not only a display of pinpoint precision and military forces. ये सिर्फ हमारा जो प्रेसिजन है या मिलिट्री फोर्स का पावर है ये दिखाने के लिए नहीं है, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। क्या दिखाने के लिए? मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी दिखाने के लिए है, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। इलेक्शन हुआ है वो फ्री एंड फेयर है। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Forces and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. ठीक है, आपने देखा होगा कि जो generals हैं, डिफेंस फोर्सेस है और जो पुलिस है, जिसको मेडल्स दिए गए हैं, वो मुझे सैल्यूट कर रहे थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी इयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड। ठीक है, लेकिन वो मुझे अभी भी पता है ये कुछ सालों पहले ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं किए, नहीं करते थे, नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा? फाइनली क्योंकि उस टाइम पे डेमोक्रेसी नहीं थी और व्हाइट सुप्रीमेसी चल रही थी इसलिए। लेकिन जो अभी डेमोक्रेसी आई है तो सभी लीडर्स हैं और जो पुलिस एंड आर्मी पर्सनल है सभी उसे सैल्यूट कर रहे हैं मंडेला को। फाइनली अ चेवरन ऑफ इंफाला जेट्स, चेवरन यहाँ पे लिखा है, वी शेप पैटर्न जो बनाया है
इम्फाला जेट्स का लेफ्ट स्मोक ट्रेल लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक कलर यहां पे ऊपर आकाश में दिख रहे हैं दिखाए गए थे ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग ये किसके कलर है साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर ऊपर दिखाए गए थे द डे वॉज सिंबलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम्स यहाँ पे दो नेशनल एंथम्स गाई है उन लोगों ने एंड द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग व्हाइट लोग गा रहे थे सीखे ले अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाइस्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक ऑल्दो दैट दे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड जो ब्लैक एंड व्हाइट की जो एंथम है वो एक दूसरे को पसंद नहीं थी पहले लेकिन देव अभी लोग ये लोग गा रहे हैं दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट तो जल्दी ये सीख जाएंगे ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री ठीक है हिस्ट्री कुछ याद आ रही है मुझे In the first decade of the 20th century की बात कर रहे हैं first decade मतलब 1901 to 1910 first decade में a few years after the bitter Anglo-Boer war and before my own birth मेरे birth से पहले और Anglo-Boer war जब हुआ था उसके बाद The white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. ठीक है जब एंग्लो-बोर वॉर हुआ और मेरे जन्म से पहले ये डिफरेंस चालू हो गया था between white-skinned people of South Africa and dark-skinned people. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. तो लोगों ने ऐसा structure create किया था white-skinned people ने. तो हार्शेस्ट था मोस्ट इनह्यूमेन क्रूअल था द वर्ल्ड हैज एवर नोन नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी अभी जो लास्ट डिकेड चल रहा है लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माय ओन 8 डिकेड एज अ मैन मेरे कितने डिकेड हो गए 8 डिकेड 80 साल तो उसके हो गए एज अ मैन That system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people, regardless of the color of their skin. जो पिछले सिस्टम थे उसे पूरा हटा दिया गया अभी मेरे 80 सालों पे मंडेला की खुद की 80 साल की फाइट चल रही है अभी जो पॉलिटिकल सिस्टम आई है डेमोक्रेसी उसमें रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन स्किन रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस बहुत सारे सैक्रिफाइस करनी पड़ी है इसके लिए ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी
डाउनटेड और रिपेड, लोगों का जितना सफर किया है लोगों ने और जो करेज दिखाया है उसे काउंट भी नहीं कर सकते और उसे फिर से ला भी नहीं सकते. आई फेल दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मुझे ऐसा लगता है और बहुत दिनों से ऐसा फील हो रहा था कि मैं जो प्रेसिडेंट बना हूं वो इन सबका डेडिकेशन, उन सबका सेक्रीफाइस और सफरिंग और करेज की वजह से बना हूं. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. मुझे दुख है कि मैं उनको thanks नहीं कर पाऊंगा अभी क्योंकि वो सारी दुनिया में नहीं है और वो अभी ये देख में भी नहीं पा रहे कि उनका सैक्रिफाइस से कितना अच्छा रिजल्ट अभी आया है. द पॉलिसी ऑफ अपार्टेड, द पॉलिसी ऑफ अपार्टेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल. बहुत गहरा गांव छोड़ा है अपार्टेड ने हमारे लोगों पे और देश पे. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. इतना हर्ट हुआ है कि बहुत साल हमें लगेंगे. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटालिटी हैड अनदर. Unintended effect. And that was that it produced. लेकिन जो brutality थी उससे unintended effect हुई है. जो intention नहीं था ऐसे effect हुई है. उसमें क्या बना उस effect से? Produce the Oliver Tambos. यहाँ पे proper noun के आगे the and यहाँ पे apostrophe s लगाया गया है surname के पीछे to show that this kind of many peoples or many peoples having such kind of mentality. What Oliver Tambo had. यहाँ पे सबके image दिए हुए हैं. The Walter Sisulos, the Chief Lithulis, the Yusuf Dedos, the Bram Fisheries, the Robert Sobukwis of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity. That their life may never be known again. ठीक है, ऐसे हमने करे था, विस्टम था, generosity थी, तो ऐसे इंसान फिर से नहीं मिलेंगे. Perhaps it required, such a depth of operation to create such heights of character. Important line है. कि इतना ऑपरेशन सहन करने के बाद ही इतनी क्वालिटी वाले इंसान मिल सकते हैं. माय कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जम्स. मेरी कंट्री में माय कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स एंड जम्स भी है. दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट
इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, इसके पीपल। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, डायमंड से भी उसकी लोग की वैल्यू ज्यादा है। इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मतलब फ्रेंड्स, इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मुझे करेज का मीनिंग समझ में आया। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, लोग एक आइडिया के लिए अपने, मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव द लाइफ, अपनी लाइफ रिस्क पे भी लगाते हैं और दे भी देते हैं। आई हैव सीन मैन stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. Attack के सामने लोगों को लड़ते देखा है जो defies imagination, हम उसे imagine भी नहीं कर सकते। I learned that courage was not a very important line. I learned that the courage was not the absence of fear, but the triumph over it. Courage क्या है? मतलब डर ना लगना courage नहीं है। जहाँ डर नहीं लगता, डर सभी को लगेगा। लेकिन triumph over it, उसपे जीत, डर पे ऊपर जीत लेनी है। The brave man is not the who, not he who does not feel afraid, जो डरता नहीं है वो brave नहीं है, but he who conquers the fear, लेकिन जो डर के ऊपर जीत हासिल करता है वही brave man है। No one is born hating another person because of the color of his skin. हम जब जन्म लेते हैं तो किसी की स्किन के कलर से हेट करना हमें नहीं आता था। On his background, background को देख के भी हम किसी को हेट नहीं करते। और his religion, और हमें religion भी पता नहीं होता। People must learn to hate. लोगों को हेट करना सीखना ही पड़ता है, मतलब सिखाया ही जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, अगर हेट सिखाया जाता है तो लव भी सिखा सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, इंसान लव जल्दी सीख जाता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. जब हमें बहुत परिस्थितियाँ किया जाता था, उस टाइम पे भी जो गार्ड थे, उनको जो गार्ड कर रहे थे, उनके दिलों में हमें ह्यूमनिटी दिखी थी। Perhaps just for a second, थोड़े समय के लिए ही होगी शायद, but it was enough to reassure me and keep me going, लेकिन वो मेरे लिए काफी थी। भले हमें पनिशमेंट मिल रहा था लेकिन कुछ कार्ड के दिल में हमारे लिए हर तो दी थी, उसको देख के ही हमें लड़ने की इंस्पिरेशन मिलती रहती थी। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. इंसान के अंदर जो अच्छी क्वालिटी है वो छुप सकती है लेकिन बुझ नहीं सकती। In life, every man has twin obligation, सबके दो फर्ज होती है। Obligation to his family, एक तो family के लिए करना है, to his parents, his wife, his children, and he has an obligation to his people, और दूसरा उसके लोग, जो आजू-बाजू लोग रहते हैं, society है, उसके लिए भी community, his community is country, उसके लिए भी उसकी उसके फर्ज होती है, करना पड़ता है उसका काम। In a civil and human society, each man is able to
fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. सब अपने ability के हिसाब से काम करते हैं. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन साउथ अफ्रीका में जो मेरे जैसा इंसान है उनके लिए पॉसिबल नहीं था. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अगर मेरे जैसा इंसान शांति से जीना चाहे तो उसे अलग कर दिया जाता था, isolated and punishment मिलते थे. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family. अगर लोगों के प्रति अपनी ड्यूटी आप करोगे तो ripped from his family से दूर कर दिया जाएगा. And his home and was forced to live a life apart, अलग लाइफ जीनी पड़ेगी. A twilight existence of secrecy and rebellion. तो rebellion वाली लाइफ जीनी पड़ेगी, secrecy में रहना पड़ेगा. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, father, and a husband. लेकिन जैसे जैसे मैं स्ट्रगल में आगे बढ़ता गया, मुझे पता चल गया अगर लोगों के लिए कुछ करना है तो मेरे ब्रदर, फादर या हस्बैंड वाले जो मेरे ऑब्लिगेशन से उसे मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा. I was not born with hunger to be free. मुझमें ऐसी कोई आग नहीं थी, वैसी भूख नहीं थी फ्री होने की. मैं फ्री था पहले. I was born free. मैं फ्री था. Free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. के आजूबाजू फार्म में घूमता रहता था. Free to swim in the clear stream that ran through my village. नदी में जाता था, तैरता था. Free to roast melis under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. Bulls ki back pe chalta tha, milk corn ko roast karke khata tha. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe. Mere papa ka sab kaam manta tha aur meri jo tribe se community wahan shanti se rehta tha. I was not troubled by the laws of man or God. इंसानों के कायदे और गॉड के कायदे मुझे कभी रोकते नहीं थे. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया मुझे पता चला कि मेरी फ्रीडम एक इल्यूजन है. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. लेकिन जब बड़ा होता गया तब पता चला कि ये मेरी फ्रीडम एक्चुअल फ्रीडम नहीं है, जो हम तो गुलामी में जी रहे हैं. That I began to hunger for it. तो उस टाइम में फ्रीडम के लिए हंगर मेरी स्टार्ट हुई. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. पहले मैं मेरी फ्रीडम ही ढूंढता रहता था. The transitory freedom of being able to stay out at night. इतने फ्रीडम के बाद घूमने मिले. रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयरएवर आई चोज. मुझे जो पढ़ना है पढ़ सकूं, ठीक है. लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माय पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माय किप ऑफ मैरिंग एंड having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. But then I कायदा के साथ चलते रहोगे तो ज्यादा कुछ problem नहीं होता था उसे. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. तो जो उन लोगों के जो लॉ बने थे उसमें मुझे भी इतनी फ्रीडम नहीं मिली थी. जो फ्रीडम मिल रही थी वो एक्चुअली वो क्या था,
सब्जुगेशन था, एक डिस्क्रिमिनेशन था. सिस्टर्स वर नॉट फ्री. आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड. फ्रीडम बहुत लिमिटेड मिली थी. बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक मी. फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड. जो मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोग थे उन सबको कर्टेल्ड फ्रीडम, लिमिटेड फ्रीडम दी गई थी. That is when I joined African National Congress. अभी मैंने African National Congress join किया. And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. मेरे लोगों की freedom, मेरी hunger for freedom लोगों के लिए hunger, लोगों के लिए freedom की hunger बन गई. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold man, bold one, that draw law-abiding attorney. ठीक है, लोगों को आजादी दिलाने के लिए, लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए मेरी लाइफ में बहुत चेंज हुआ. मैं पहले घबराता हुआ लड़का था, लेकिन फिर बोल्ड और डेरिंग वाला लड़का हुआ. एटर्नी वो लॉयर था, बिकेम अ क्रिमिनल. क्रिमिनल बन गया उस टाइम पे, अपार्थेड के अगेंस्ट में लड़ना शुरू कर दिया. दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जो पहले फैमिली को लव करता था, इनटू अ मैन विदाउट होम, घर के बिना का बन गया. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक, मंक की तरह रहने लगा. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom. मैं कभी भी limited freedom enjoy कर नहीं पाया. I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on anyone of my people were the chains on all of them. The chains of all of my people were the chains on me. किसी भी कोई भी मेरे कलर का जो इंसान है उस पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो सभी इंसानों पे होगा. सभी इंसानों का रिस्ट्रिक्शन मुझ पे भी लगेगा. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. जो गुलामी करवाते हैं और जो गुलाम है वो दोनों भी गुलाम